मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए शब्द की जागृत कहानी चाहिए पूरी दुनिया अपनी हो जाती है बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए कि दूध को दूध दूध को दूध पानी को पानी कह दूं मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं सूर के पद मीरा की बानी कह दूं अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह ना पाऊंगा जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दू लहार की जनता आई लव यू हाँ क्या सुन रहे हो आप लोग यार हम आशा नहीं कर रहे थे कि खाने के बाद भी इतना अच्छा सुनोगे हाँ इसका मतलब खाना टेस्टी है नहीं बता रहा। हमको तो तो एक बार गुड्डू भैया इतने बड़े आदमी हैं तो तो है। है? है, मन हो गया है हमने अपनी बीवी को फोन किया हमने लाहर के बहुत प्रतिष्ठित नागरिक लोकप्रिय नेता अपने घर आ रहे हैं घर में कुछ है बीवी ने कहा सिर्फ दाल बची है मैं बोलूंगा वही दो दो चम्मच खिला देंगे बोले कैसे खिलाओ बोले दिमाग से बोले घर में आएंगे बिस्किट पानी पिएंगे खाने का वक्त होगा तो किचन में एक बर्तन पटकना धड़ाम मैं पूछूंगा क्या हुआ बोलना पुलाव गिर गया फिर एक बर्तन पटकना धड़ाम सलाद गिर गया फिर पटकना धड़ाम रायता गिर गया खीर गिर गई पुलाव गिर गया अंत में डांटूंगा गुड्डू भैया के लिए कुछ बचा है कि नहीं तो कहना सिर्फ दाल बची है मैं बोलूंगा ला वही दो दो चम्मच खिला देते हैं भैया भाभी के साथ आए बिस्किट पानी पिया खाने का वक्त हुआ किचन में एक बर्तन गिरा धड़ाम मैंने पूछा क्या हुआ बीवी ने कहा सत्यानाश दाल ही गिर गई बस बस ये वाली बात है समझ हाँ मैं समझ गया तो भैया किस्मत में होनी चाहिए कि आपके दाल है कि नहीं है बहुत अच्छा लगता महिलाएं को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ मेरी माताओं बहनों एकमात्र कथा ऐसी जगह है जहां महिलाएं सुनती हैं हाँ यह ट्यूबलाइट वाली बात थी आप बल्ब वाली समझ रहे हो मैं सीधे सीधे आपको वहां तक पहुंचा दूंगा सरकार भैया आइएगा बहुत अच्छा लग रहा भैया विराजित हो जाइए क्या हाँ। नाम सुधांशु त्रिवेदी भैया आप बहुत पैरेंट्स द्विवेदी अच्छा द्विवेदी भैया अरे क्या चतुर्वेदी भैया आए 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 भैया सारे लोग आ रहे आ रहे हम आ, हमको लग रहा हम लाल किले पे प्रधानमंत्री हैं सलामी ले रहे हैं सबकी हाँ बहुत अच्छा लग रहा धीरे धीरे बस मैंग भैया बापू आ जाएँ पाँच मिनट में ठीक है पाँच मिनट में हम ही बोलेंगे और बहुत अच्छा लग रहा आप लोगों को और बहुत अच्छा सुनाएंगे देखिए मंच भव्य है माइक भी भव्य है मतलब माइक माइक गुड्डू भैया इतना अच्छा है ये कि इसमें राहुल गांधी भी भाषण दें तो नरेंद्र मोदी जैसी आवाज़ आए हाँ हाँ, हाँ हाँ बस 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 हाँ बस हाँ और ये जो पहली पंक्ति में बैठे हैं श्रोता आप लोग भाई वाह 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 आज की महफिल आप आप ही जमाएंगे बापू आ गए आगे, आगे मैं। आओ बापू पाँच मिनट में प्रवेश कर रहे हैं उसके बाद हम शुरू करेंगे बापू के आगमन पर आपकी तालियां ऐसी बजनी चाहिए आप कितने भाग्यशाली लोग हैं कि परम बापू परम पूज्य चिन्मयानंद बापू जैसे कथावाचक आदरणीय गुरु माँ <laughs> बहुत बहुत सही बन मिल रहा है स्मूथ रखना हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ चुनाव में सिर्फ गुड्डू भैया खड़े रहेंगे बच्चा आप बैठो 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 मैं ये आवाज जो आ रही है थोड़ी सी अगर यहीं की है थोड़ा सा मैं परम पूज्य हाँ नहीं कोई बात नहीं मैं परम पूज्य बापू के चरणों में सत सत नमन करता हूँ मैं गुरु माँ के चरणों में सत सत नमन करता हूं बस हाँ थोड़ा सा हाँ बस बस यस यस गुरु, गुरु माँ को मैं दिख नहीं रहा था तो गुरु माँ ने सोफा सरकाया इससे पता चला कि मेरी इज्जत है गुरुमा कविता तिवारी जब मंच पे होती है तो मर्यादा भी मंच पर होती है कविता भी मंच पर होती है जोश भी मंच पर होता है वजिश्वता भी मंच पर होती है ये बहुत बड़ी बात है कि आज कविता हैं और आपको आनंद बचसेगा ही मैं दावे के साथ करता हूँ शंभु शिखर को आप देख ही रहे मैं आपके परिवार का हूँ और आज मुझे कितना गर्व हुआ होगा जब मुझे पता चला कि मीमांसा मेरे मुँह से आ, बार बार कहती है कि वो वाली कविता जरूर सुना दीजिएगा अगर दुनिया जिनकी दीवानी है उनकी बेटी हमारी बेटी अगर वो मुझे सुनना चाहती तो मुझे इससे बड़ा पद्मश्री या पद्म भूषण क्या चाहिए कि जिसके घर में कथा गाई जाती हो उस घर की बिटिया कहे कि दिनेश बावरा को वो कविता सुनाने के लिए कहिएगा कुछ लोग एल ई डी देख रहे हैं उस साइड एल ई डी लगी है ना हाँ वो बंद कर दो मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ हाँ बंद कर दो उसको बंद कर दो इस साइड भी बंद कर देना सीधे हाँ? सारी एलईडी बंद कर दो एलईडी सारी एलईडी बंद कर दो गुरु मां मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए शब्द की जागृत कहानी चाहिए पूरी दुनिया अपनी हो जाती है बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए और बापू मैंने बहुत शोध किया है आपके लिए आज बहुत नई चीज़ें मैं ढूंढ के लाया हूँ मैं सच बताता हूँ आप लोगों का एक ही काम है जहाँ बात अच्छी लगी ताली बजाना आप तो खाना खा के आए हो इतना स्वादिष्ट खाना था बापू मैं बताऊँ आपको हम लोग प्रसाद लिए मतलब अद्भुत था प्रसाद आप लोग पा करके बैठे हुए हैं मैं हाथ से की दो तीन बातें कर देता हूँ बापू मेरे घर पर आप खूब सुने जाते हैं और जितने देर आप सुने सुनाते हैं उतने देर ही मेरे जीवन में सुकून रहता है थोड़ी बारीक बात है आप समझेंगे आप क्योंकि महिलाएं कथावाचकों के अलावा भगवान का भी नहीं सुनती हाँ जो आप कहते हैं वही सुनती हैं तो हमने पता किया कि ऐसा हुआ क्यों तो हमने भगवान से प्रार्थना की भगवान हमारा जीवन जो है बड़ा कष्टमय है पूरा दिन सुनना पड़ता है पूरी रात सुननी पड़ती है तो भगवान ने कहा कि जाओ बेटा आप तुम्हारे जीवन में हम समाधान तो नहीं दे सकते बदला जरूर ले सकते हैं मैंने कहा वो कैसे बोले कलयुग में हरिद्वार में एक बहुत बड़े कथावाचक जन्म लेंगे जिनका नाम चिन्मयानंद बापू होगा जो आपको सुना रही है उसे तीन घंटा बैठ के सुनेगी और ये लोग हमको उंगली पे नचाती हैं आप इनको भजन पे नचा देते हो हाँ तो हमारा बदला ले जाते हैं लेकिन एक बात बताऊं कल रामदेव जी ने जो उद्बोधन दिया इस पवित्र मंच से हमारी भी छाती छप्पन इंच की हो गई कि एक प्रामाणिक श्रीमद भगवत के कथावाचक आज के तारीख में अगर कोई है तो आरणीय परम चिंयावन बापू हैं आज वो आपके बीच हैं तो जरा तालियां बजा करके उनका स्वागत कर दीजिए मुझे अच्छा लगा और बापू एक बात बताऊं एक दिन मेरा बेटा मेरे पास आके बोला कि अम्मा ने कुछ लाने भेजा लेके आता हूं लेके आया तो मैंने कहा क्या कमाल कर दिया हा? अम्मा ने तुझे धनिया बोला था लेके आने के लिए तो पुदाना पुदीना लेके आया है हाँ ये कोई अच्छी बात है हाँ तो तेरे जैसे लड़के को घर में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए तो मेरे लड़के ने बोला पापा एक साथ ही निकलते हैं आप जिसको पुदीना बता रहे हो अम्मा उसको मेथी बता रही है तो हमारी किस्मत आप समझ लो कि क्या है घर में हमारा बेटा ये नहीं जानता कि धनिया क्या है हम ये नहीं जानते कि मेथी क्या है और हमारी घर वाली तो जो जानती है वो जानती है लेकिन आप सचमुच काफ़ी अच्छे लोग हैं बहुत मन से सुन रहे हैं और देखिए स्वच्छता में हम भरोसा रखने वाले लोग हैं हम पुरुष लोग नाई की दुकान में बाल कटा करके आते हैं दाढ़ी बनवा करके आते हैं आकर के तुरंत नहाते हैं क्योंकि हम स्वच्छता में भरोसा रखते हैं ये महिलाएं बिल्कुल नहीं रखती हैं कभी किसी महिला को आपने ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अगर मुंह धोते हुए भी देखा हो हाँ। गलत कह रहे हैं हाँ ले मैं समझ रहा हूँ आप लोग क्या आओ अम्मा अम्मा बैठ जाओ करो अम्मा कहाँ बैठना चाहोगी बैठो 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 हाँ बैठो मैं कोई कथा नहीं सुना रहा हूँ अम्मा आप लोगों की बुराई करने वाला हूँ हाँ ये अभी सुन लेना एकदम आगे आ गई हो तो ज्यादा सुनाऊंगा हाँ लेकिन चलिए क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है मैं छोटी छोटी बातों से आपको हंसाते रहूंगा लेकिन मैं मीमांसा के लिए वो सुना देता हूँ और अपने पूरे जोशो खरोश से सुनाऊंगा मेरी बिटिया जरा बताना कि तेरा चाचा तेरा भैया किस ताकत से सरस्वती का आशीर्वाद पाता है कि यह कविता का रंग जब हरिबंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे तो चाहे सारी उमरिया ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं मुरादों की पेश करूं ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है तुझे रंग रंग में रंग दिया मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं और ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ कर के बोला तो गली-गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला मैं ये कविता का रंग है